जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। सरकार, कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपये प्रति महीने दी जाएगी पेंशन। वही जजपा ने सबसे बड़ा धोखा प्रदेश के बुजुर्गों को दे दिया है। गठबंधन सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये प्रति माह को नहीं दी है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा 6,000 रुपये महीने जरूर पेंशन देंगे। वहीं बता दिया जाए कि युवाओं को 75% गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। वहीं वीरेंद्र को वीरेंद्र घोरिया की ओर से अलवेला गांव में आयोजित हाथ से हाथ जोड़े अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है, अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करने वाले नेताओं का हिसाब चुकता करने का भी समय आ चुका है। जसपा ने जिस भाजपा को जमुना पार भेजने का नाम पर वोट मांगे थे, चुनाव के बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली है। उचाना में मतदाताओं के ये सबसे बड़ा दर्द है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर रही है। और वहीं आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में 3 बड़ी घोषणाएं कर दी गई। गैस सिलेंडर 500 रुपये सस्ता, पेंशन में भारी बढ़ोतरी, 18 से 60 वर्ष वालों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिला।